तो आइए दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का दिन भर की मुख्य खबर में। तो आज जो है दिन भर का मुख्य समाचार क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं सभी की तरफ से इस वीडियो पे लाइक आ जाए। तो वीडियो को क्या करना है, यहाँ से लाइक कर देना है और बगल में एक शेयर का ऑप्शन है जिसपे टच करके इसे दोस्तों के पास आपको शेयर कर देना है, जिससे आपका दोस्त लोग भी जो है ये खबर देख सके। उसके बाद फिर अगर आप सब्सक्राइब नहीं तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा एक बटन मिलेगा, इस पर टच करके चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और आगे घंटी आएगा घंटी को भी दबा देना है। इससे क्या होगा कि चैनल पर आने वाले हर खबर को जो है आप सबसे पहले देख पाइएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया के तमाम खबरें जो आप अभी तक नहीं जानते। तो सबसे पहला जो खबर हम लेके आए हैं वो है लॉकडाउन 2 का। पर डे नई गाइडलाइन, आज से माल ढुलाई और निर्माण कार्य में क्या जो है छूट मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम खबरें जो लॉकडाउन 2 को लेकर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2020 का ये मुख्य खबर है कि लॉकडाउन 2 पर नई गाइडलाइन, आज से माल ढुलाई और निर्माण कार्य में क्या जो है छूट मिलने वाला है। चलिए देखते हैं कि क्या छूट मिलने वाला है। गृह मंत्रालय ने सोमवार से दी जाने वाली रियायतों पर जारी अपने आदेश में कहा है कि लोगों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाए। प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक जाने के दौरान उनमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराए, इसके बाद भी अपने गृह क्षेत्र में अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सके, लेकिन हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान जो है यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है, जो कि प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने के दौरान जो है उन्हें सामाजिक दूरी का नियम का जो है पालन करना है, ये छूट जो है मिला है। और हॉटस्पॉट जो भी क्षेत्र है वहाँ पे छूट जो है नहीं दिया जा रहा है। देखिए गाइडलाइन क्या है। बिना हॉटस्पॉट वाले इलाके में सोमवार से रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल की ढुलाई की इजाजत होगी। तो नई गाइडलाइन जो निकला है उसमें जो है बिना हॉटस्पॉट वाले इलाके में, जो हॉटस्पॉट वाला इलाका नहीं है जहाँ पे एक भी जो है कोरोना वायरस का मरीज नहीं निकला है, उस इलाके में जो है यहाँ पे राज्य के भीतर माल की ढुलाई की इजाजत हो सकती है और वाहनों में 2 ड्राइवर और 1 हेल्पर होने चाहिए। वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खाली वाहनों की मंजूरी भी जो है दी गई है। आइए जानते हैं और क्या खबर है। तो देख सकते हैं वही जरूरी सामान के लिए खुदरा और थोक दुकानें खुली रहेगी, बड़ी ईंट और गैरेज से संबंधित स्टोर खुलेंगे। उसके बाद हाईवे के किनारे के ढाबे और ट्रक मरम्मत दुकानें खुलेगी, जरूरत सेवाओं के लिए स्टाफ मजदूरों की आवाजाही की इजाजत होगी। इसके अलावा कई सेवाएं के सशर्त अनुमति दी गई है। कार्यस्थल तक जाने की छूट। अब देखिए कार्यस्थल तक क्या है जो जाने की छूट यहाँ पे मिला है। आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने वाले निजी वाहनों को मंजूरी मिलेगी। कार में ड्राइवर के अलावा पीछे के सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को ही जाने की मंजूरी है। 2 पहिया वाहनों में सिर्फ इसे चलाने वालों को ही इजाजत है, किसी को पीछे नहीं बैठ सकते। तो अगर बाइक से जाते हैं तो यहाँ पे पीछे किसी को बैठा के जो है नहीं ले जाना है। कैब सेवाएं पर रोक 3 मई तक जारी रहेगी। तो जो भी कैब सेवा है, टेम्पो है या कैब सेवा है, उसको जो है यहाँ पे सवारी को नहीं ढोना है। दफ्तर पर आने जाने की छूट जो है मिलेगी। तो जो भी दफ्तर है वहाँ पे आने जाने की जो यहाँ पे छूट है। मेडिकल व ऑनलाइन सचनी गतिविधियाँ क्या, आइए जानते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजों में छूट है और कुछ चीजों में जो है यहाँ पे बंदी अभी भी कायम है। आइए जानते हैं और क्या है। शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग, सभी शैक्षिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन गतिविधियां चलाने की इजाजत है। तो यहाँ पे अगर आप शिक्षण प्रशिक्षण कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ऑनलाइन चलाने की गतिविधियां का जो इजाजत मिला है। उसके बाद आगे मनरेगा कार्य, सिंचाई जल संरक्षण को प्राथमिकता है, कामगारों को फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सामाजिक दूरी का जो है पालन करना होगा। तो जो भी मनरेगा कार्य और सिंचाई से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित जो भी कामकाज है, उस सबको जो है फेस मास्क लगा कर ही जो है और निश्चित दूरी का पालन करके ही जो है काम करना है। तेल एवं गैस की आपूर्ति, बिजली, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, दूर संचार एवं इंटरनेट सेवाओं की जो है इजाजत रहेगी। तो ये सब का जो है यहाँ पे इजाजत मिल गया है। अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें का दवाखाना जो यहाँ पे खुलेगी, ये सबको जो इजाजत मिला है। डॉक्टरों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिक, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन आवाजाही को जो है यहाँ पे इजाजत मिल चुका है। और भी है, प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण जरूरी है। जो भी प्रवासी मजदूर है जो दूसरे जगह से जो है यहाँ पे आए, उसको जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण कराना जरूरी है। प्रवासी मजदूरों का लोकल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है ताकि उसके कौशल के हिसाब से ही उन्हें काम दिया जा सके। तो जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे जगह से आए उसको जो यहाँ पे रजिस्टर कराना जरूरी है अपना नाम। अगर प्रवासी मजदूरों का कोई समूह अपने काम की जगह लौटना चाहता है तो जांच के बाद ही उसे काम की जगह पर पहुंचाया जाएगा। तो उनका जो है जांच भी होने वाला है अगर काम की जगह पर जो है लौटना चाहते हैं तब। बस से यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। देख सकते हैं बस से अगर यात्रा कर रहे तो यहाँ पे सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। जिन बसों के जरिए उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाए एवं सैनिटाइज करना होगा। 15 अप्रैल के जारी किए गए निर्देशों से सख्ती से पालन होना जरूरी है। 15 अप्रैल को जो भी निर्देश जारी किए गए उनको जो है सख्ती से पालन करना जो है इनका जरूरी है। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कि वह मजदूरों को उनकी यात्रा के दौरान खाना पानी मुहैया जो है कराए। आइए जानते हैं और क्या खबर है। खेती किसानों से अन्नदाता की मजबूती, फसल बिक्री के साथ पशुपालन। जैसे कि आप देख सकते हैं खेती किसान से अन्नदाता को मजबूती और फसल बिक्री के साथ पशुपालन भी। तो ये सब को जो यहाँ पे छूट मिलने वाला है। देख सकते हैं खेत में किए जाने वाले कामों की मंजूरी मिली है।
फसलों की खरीद से संबंधित एजेंसियों के कामकाज में जो है इजाजत मिला है, खेती से संबंधित मशीनरी की दुकान, संबंधित खेत केंद्र, खाद और बीज, ये सबको जो छूट मिला है। उसके बाद मंडियों की अनुमति, सीधे तौर पर उत्पादों की खरीद बिक्री प्रक्रिया, कटाई और बीजों की जो है बुआई का जो है अनुमति मिला है। मछली मारने से जुड़े काम, मछलियों के प्रसंस्करण और बिक्री, मछली पालन और वाणिज्यिक मछली पालन, चाय कॉफी रबर के बगान लगाने में 50% कामगारों की अनुमति मिली है। पशुपालन, दूध और दूध से जुड़े उत्पादों की बिक्री और वितरण, पशुओं के लिए आश्रय व्यवस्था करने जैसा कार्य जो है यहाँ पे खुलेगा। उसके बाद बैंक ATM के बारे में भी जो यहाँ पे बताया गया है, तो वित्तीय क्षेत्र में RBI और RBI नियंत्रित वित्तीय बाजार और परिसंपत्तियों, बैंक ATM और बैंकिंग कामकाज के लिए IT से जुड़े कर्मियों की रहेगी छूट। तो इन सबको जो है यहाँ पे छूट है, ये सब जो है अपने काम पे लौट सकते हैं, इन सबको जो है काम करना है। सेवी और पूंजी और ऋण बाजार सेवाओं के साथ IRDI और बीमा कंपनियों के कामकाज के लिए जो है इजाजत दी गई है। सामाजिक क्षेत्र में देखिए क्या है, बच्चे, दिव्यांगों, बुजुर्गों के लिए घर समेत देखभाल केंद्रों और देखभाल आवासों में गतिविधियों की रहेगी छूट। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने जैसे पेंशन, EPF द्वारा PFEF का भुगतान करने और आंगनबाड़ी को पाबंदी जो है छूट रहेगी। तो ये सब जो है छूट यहाँ पे मिला है। अब जानिए यहाँ पे वाणिज्यिक सेवाएं क्या है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की छूट दी गई है। इसके अलावा IT सेवाओं को 50% की जो कर्मचारी क्षमता के साथ जो है कामकाज की जो है इजाजत यहाँ पे दी गई है। सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटर की भी जो इजाजत दी गई है। पंचायत स्तर पर आम सुविधा केंद्रों में कामकाज को जो है छुट्टी दी गई है। ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कुरियर सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और बियर हाउस को भी जो है मंजूरी दी गई है। निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, होटल और अतिथि सेवाओं को जो है यहाँ पे छूट मिला है। क्वारंटीन सुविधा केंद्र बनाने और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर इत्यादि स्वरोजगार वालों को भी जो है यहाँ पे छूट मिला है। और जानते हैं और क्या खबर है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब जो चीज़ है इन सब में छूट मिला है और चीज़ में जो यहाँ पे बंदी कायम है। अब जानते हैं कि निर्यात इकाइयों को क्या छूट है। ग्रामीण इलाके में चलने वाले औद्योगिक इकाइयों की मंजूरी, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और इकाइयों, औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक बस्तियों को मिलेगी छूट। जरूरी सेवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियां या कारखानों को इजाजत, खाद प्रसंस्करण इकाई और जूट कारखानों को भी दी गई मंजूरी। कोयला खनिज उत्पादन के साथ साथ तेल एवं गैस रिफाइनरी को भी जो है यहां पे मंजूरी दी गई है। गांव में ईंट भट्टे चलाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क, सिंचाई परियोजना, अच्छे ऊर्जा परियोजना समेत निर्माण कार्य और नगर नियमों में निर्माण कार्य को जो है यहां पे परियोजना में को जो है इजाजत मिला है। इन पर रहेगी पाबंदी। अब जानते हैं कि किस चीज़ पे पाबंदी रहेगी। यात्राओं पर रोक है। होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिला प्रशासन के हॉटस्पॉट संक्रमित क्षेत्र में चिन्हित करेंगे और 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट मान्य नहीं होगी। देख सकते हैं यहाँ पे संक्रमित क्षेत्रों में 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट जो है वहाँ पे मान्य नहीं होगी, जो भी संक्रमित क्षेत्र है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर ऐसे इलाके में किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी जो संक्रमित क्षेत्र है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने, पैसेंजर ट्रेन, बस, मेट्रो, टैक्सी सभी अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक रहेगी। तो ये सब पे जो है अभी रोक है। अब जानते हैं अगले खबर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले खबर की ओर। तो अगला खबर जो है यहाँ पे वन इंडिया हिंदी वेबसाइट पे जो है छपा है कि अगले 24 घंटे इन राज्यों पे आंधी तूफान अलर्ट जारी। जैसा कि आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2020 का ये खबर जो है छपा है, जिसमें भारी अलर्ट और यहाँ पे आंधी तूफान का जो है यहाँ पे आशंका जो है जताया गया है। अब जानते हैं कि क्या खबर है। कोरोना संकट के बीच बेमौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल किया है। स्काई मेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत के कुछ राज्यों में गैर चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। स्काई मेट ने राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के अनुमान जो है बताया गया है। तो वही उसने कहा है कि अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के साथ साथ तमिलनाडु में भी एक दो स्थान पर गर्जन की तेज बौछारें गिर सकती है। तो ये जो है बारिश का जो है संभावना यहाँ पे जताया गया है कि अगले 24 घंटों में ये सब जो है संभावना हो सकता है, आ सकता है आंधी तूफान। जबकि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और समय बुलंदशहर, मध्य पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ साथ धूल भारी आंधी चलेगी। गर्ज के साथ बारिश भी जो है हो सकती है। इससे फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हापुड़, झज्जर, मेरठ, रोहतक, ये सब में जो है यहाँ पे लगभग बारिश की जो है मानसून वर्षा की जो है गतिविधियाँ जो है यहाँ पे जारी रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ जोरदार बारिश हो सकती है। तो वहीं इन जगहों पे आंधी तूफान का जो है सिलसिला अगले 2 दिन तक जो है जारी रह सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाई अलर्ट जो है जारी हुआ है कि इन समय जो है भारी बारिश की आशंका जो है जताई जा रही है और बारिश जो है अगले 24 घंटा में हो भी सकता है। चंपारण में भी जारी हुआ अलर्ट।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चंपारण में भी जो है हाई अलर्ट जो है जारी हुआ है, और जबकि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम चंपारण में भी अगले 2-3 घंटे में ही बारिश हो सकती है। विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि बारिश के साथ साथ वज्रपात, बिजली गर्जन, हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा और तेज हवा होने की भी जो है यहाँ पे संभावना है। राजस्थान में आ सकती है धूल भरी आंधी। जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान में धूल भरी आंधी आ सकती है, तो वही राजस्थान के कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की भी जो है संभावना है। वही 21 अप्रैल के राजस्थान में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 22 अप्रैल से फिर मौसम बदलेगी और 22 से 25 अप्रैल के बीच एक बार फिर राजस्थान के कुछ भागों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मालूम हो कि ये बेमौसम बरसात किसानों के लिए अच्छी बात नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं बेमौसम जो है बरसात हो रहा है, जो कि किसानों के लिए अच्छी बात नहीं है। वही दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज। तो आइए जानते हैं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज जो है बदलने वाला है। तो वही 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कुछ हिस्सों उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ व्यापक बारिश हुई। केरल में कुछ स्थानों पर हल्की सी प्री मानसून वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 से 3 दिन तक दिल्ली में हल्का बारिश होगी, जिससे तापमान बढ़ेगा नहीं। मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह दिल्ली का तापमान बारिश और हवाओं के चलते 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ऐसे राज्य जहाँ पे हाई अलर्ट जारी हुआ है कि वहाँ पे जो है आंधी, बारिश और वज्रपात होने की जो है संभावना जताया जा रहा है। अब आइए जानते हैं अगला खबर। तो अगला खबर जो यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर है, तो आइए जानते हैं कोरोना वायरस को लेकर जो है क्या खबर है। तो यहाँ पे कोरोना वायरस सहायता के लेकर सभी को जो 1,000 रुपया जो यहाँ पे दिया जा रहा है मुख्यमंत्री राहत कोष से। आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार से आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत बिहार से बाहर फंसे लोगों को सहायता राशि 1,000 रुपया दी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी बाहर फंसे हुए लोग हैं सभी किसानों को या सभी जो है मजदूरों को 1,000 रुपया जो है दिया जा रहा है। इसे प्राप्त करने हेतु नीचे दिए गए लिंक से मोबाइल ऐप कोरोना सहायता बिहार डाउनलोड करें तथा अपने बारे में सूचना अंकित करें। तो बिहार कोरोना सहायता एक ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपना जानकारी भरकर जो है ये कोरोना सहायता का 1,000 राशि जो है आप पा सकते हैं। अब आइए जानते हैं क्या क्या जो है इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसा कि इसमें लगेगा आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, आपका खाता संख्या, बिहार के अंदर किसी भी बैंक में रहना चाहिए। अगर अकाउंट बिहार के बाहर है तो आप एलिजिबिलिटी नहीं है। यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए जो बिहार राज्य के निवासी है तथा बिहार राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं। इसके लिए जरूरी कागज निम्नलिखित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी बिहार के मजदूर है या बिहार के जो भी प्रवासी है किसी अन्य स्टेट में फंस चुके हैं उनके लिए ये जो है सहायता राशि है। और ये सब में जो है आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आधार कार्ड या पैन कार्ड या पहचान पत्र या अकाउंट नंबर, ये सब जो है आपको देना पड़ेगा। और अकाउंट नंबर जो बिहार के अंदर हो वही जो है यहाँ पे मान्य होगा। लाभार्थी का आधार कार्ड की फर्स्ट में जो है प्रति लगेगा, उसके बाद नाम से बैंक खाता जो बिहार राज्य में किसी स्थिति ब्रांच में हो, ये सब जो है आप देकर मोबाइल ऐप में अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं या आप अगल बगल में किसी भी व्यक्ति को जो है डॉक्यूमेंट भेजकर भरवा सकते हैं। अगर आप जो है बिहार से बाहर फंसे हुए हैं तब जो है ये आपको कोरोना का 1,000 रुपया जो है मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि अगला खबर क्या है। तो अगला खबर जो निकल के यहाँ पे आ रहा है वो है यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर। तो देख सकते हैं देश भर में लगभग संक्रमितों की संख्या यहाँ पे 17,265 जो है हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं देश भर में संक्रमितों की संख्या 17,265 हो गया है 20 अप्रैल 2020 तक। अब तक 543 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। आइए जानते हैं विस्तार से कि कोरोना के जो लेकर है यहाँ पे कितने लोगों को मौत हुआ है और कितने लोग जो अभी संक्रमित है। खास बात है देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,553 नए मामले सामने आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में यहाँ पे 1,550 मामले जो है सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत भी जो है यहाँ पे हो गई है। तो देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं 36 लोगों की मौत हो गई है जो कि काफ़ी आंकड़ा जो है बड़ा है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 17,265 हो गई है, जिसमें 14,175 सक्रिय है और 2,547 लोग जो है स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल या छुट्टी दे दी गई है और 543 लोगों की जो है मौत हो गई है। आज गुजरात में 108, आंध्र प्रदेश में 75 और राजस्थान में 17 और कर्नाटक में 5 नए मामले सामने आए हैं। वहीं लॉकडाउन के बीच आज से राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय समेत देश के सभी सरकारी विभागों में आंशिक रूप से कामकाज शुरू हो गया है। तो इसी लॉकडाउन के बीच लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा में आंशिक रूप से कामकाज शुरू हुआ है, जिसमें कुछ आदमी आएंगे और कुछ आदमी जो है यहाँ पे नहीं भी आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आंशिक रूप यानी कि पूरा पूर्ण रूप से कामकाज चालू जो है नहीं हुआ है। यहाँ पर है देश में कोरोना वायरस से संबंधित सभी अपडेट। आइए जानते हैं लाइव अपडेट क्या है। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों से सभी विभागीय क्वारंटीन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और ये लेटर आप देख सकते हैं यहाँ पे
केंद्र सरकार के मंत्रालय विभाग से जो भी कैंटीन संबंधित है उनको जो यहाँ पे बंद कर दिया गया है और यहाँ पे एक लेटर भी जो है दिखाया गया है। तो यही सारी तमाम खबरें जो देश दुनिया से जुड़ी आज दिन भर की खबरें हैं। तो इसी तरह का आप हर दिन नया खबर पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए न्यूज के साथ फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।